जय हिंद वंदे मातरम। देखिए वर्ल्ड कप की हार की कसक अभी तक खत्म नहीं हुई। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सूर्य कुमार यादव को जडेजा के बाद में भेजना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में दिया वो वाकई में काबिल तारीफ है। ऐसे में देखिए सवाल तो उठने लाजमी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने रनों की बारिश कर डाली। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आया सूर्य ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपनी 360 डिग्री क्रिकेट से भारतीय फैंस का काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट भी किया। सूर्य ने अपने पारी में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 42 बॉलों पर 80 रन ठोके। इस पारी को देखकर फैन जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये वही सूर्य है जिन्होंने चंद दिनों पहले वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अहमदाबाद की पिच पर रन बनाने के लिए स्ट्रगल किया था। सूर्य ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस फाइनल मैच में 18 रन बनाए थे, वो भी 28 बॉलों में। सूर्य कुमार की बैटिंग देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज बनकर रह गए। क्रिकेट इतिहास में सूर्या से पहले भी ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जो एक फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट माने गए। देखा जाए तो ज्यादातर खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सफल नहीं हो पाते। टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन डिफेंस और तकनीक की आवश्यकता होती है, वही वनडे क्रिकेट में पहले बल्लेबाज अपनी पारी को संवारता है और फिर शॉट्स खेलता है, जबकि T20 क्रिकेट में बल्लेबाज के पास सेटल होने के लिए टाइम नहीं होता और आते ही बल्ला घुमाना होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जडेजा को सूर्य से पहले भेजना क्या बड़ी गलती थी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के बाद ये सवाल उठ गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल सूर्य कुमार यादव के लिए एक बुरे सपने की तरह गया है। जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में 6 नंबर पर उतरे थे, वहीं सूर्या को 7 नंबर पर भेजा गया था। वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार सूर्य कुमार यादव 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। इससे पहले वो 22 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेपॉक में खेले गए मुकाबले के दौरान 7 नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। उस मैच में सूर्या का खाता भी नहीं खुल सका था। आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्या ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के दौरान अच्छा खेलते हैं। वनडे में ज्यादातर रन सूर्या ने 5वें और 6वें नंबर पर बैटिंग करके ही बनाए। वहीं T20 इंटरनेशनल में वो तीसरे और चौथे नंबर पर काफी ज्यादा सफल रहे। दायात के इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर में अब तक 35 पारियां खेली हैं, जिनमें से उन्होंने नंबर 3 पर 2, नंबर 4 पर 5, नंबर 5 पर 11, 6 नंबर पर 15 और नंबर 7 पर 2 बार बैटिंग करी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल से पहले के 6 मैचों में सूर्या को 6 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला था, हालांकि फाइनल में उन्हें 7वें नंबर पर भेजा गया। बैटिंग ऑर्डर के साथ ये एक्सपेरिमेंट कुल मिलाकर भारी पड़ा है ऐसा माना जा रहा है। वनडे में अगर हम सूर्य कुमार यादव के बैटिंग रिकॉर्ड पर नजर डालें तो नंबर 3 पर इन्होंने 2 पारी खेली है, 53 रन बनाए हैं 53 के एवरेज से। नंबर 4 पर इन्होंने 5 पारी खेली है, 30 रन बनाए हैं 6 के एवरेज से। नंबर 5 पर इन्होंने 11 पारियां खेली है, 320 रन बनाए हैं 35 के एवरेज से और 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। नंबर 6 पर 15 पारी खेली है, 352 रन बनाए हैं 27 का एवरेज था और 2 हाफ सेंचुरी लगाई है। नंबर 7 पर 2 पारी खेली है, 18 रन बनाए हैं 9 के एवरेज। अगर हम T20 में सूर्य कुमार यादव के बैटिंग रिकॉर्ड को देखें तो नंबर 2 पर 4 पारी खेली, 135 रन बनाए हैं, 33 का एवरेज रहा और 1 हाफ सेंचुरी लगाई। नंबर 3 पर 14 पारी खेली है, 489 रन बनाए हैं, 39 का एवरेज रहा है, 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी लगाई। नंबर 4 पर 29 पारियों में 1182 रन बनाए हैं, जिनमें कि 53 का एवरेज रहा है, 2 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी लगाई। नंबर 5 पर 4 पारियों में 125 रन, जिसमें कि 41 का एवरेज रहा है और 1 हाफ सेंचुरी मारी। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के तो नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उनके आंकड़े काफी ज्यादा डरावने हैं। सूर्य ने अब तक 37 वनडे मैचों में 35 पारियों में 25 के मामूली एवरेज से 773 रन बनाए। वहीं T20 इंटरनेशनल में इस बल्लेबाज ने 54 मैचों में 46 के एवरेज से 1921 रन ठोके। T20 इंटरनेशनल में सूर्य का स्ट्राइक रेट भी 173 का रहा है, जो वनडे क्रिकेट की तुलना में काफी ज्यादा है। सूर्य ने वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 4 हाफ सेंचुरी लगाई, वहीं T20 में वो अब तक 3 शतक और 16 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपना वनडे इंटरनेशनल का डेब्यू 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में किया था। उस मुकाबले में उन्होंने नाबाद 31 रन बनाकर काफी ज्यादा इंप्रेस किया। फिर अपने दूसरे वनडे में ही सूर्य ने हाफ सेंचुरी भी जड़ दी थी। तब ऐसा लग रहा था कि सूर्य मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, लेकिन 9 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 रनों की पारी खेलने के बाद से वो अपना मोमेंटम गवा बैठे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल मार्च में खेली गई वनडे सीरीज में सूर्य तीनों ही मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए थे। अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव के T20 करियर की, 54 मैचों में उसने 1921 रन बनाए 46 के एवरेज से, जिसमें 3 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी हैं। 173 का स्ट्राइक रेट रहा, 175 चौके मारे हैं और 108 छक्के भी जड़े। अगर वनडे मैचेस की बात करें तो 37 मैचों में मात्र 773 रन बनाए, 25 का एवरेज रहा है, जिसमें कि 4 हाफ सेंचुरी हैं, 105 का स्ट्राइक रेट है, 80 चौके हैं और 19 छक्के। सूर्य कुमार यादव का टेस्ट करियर भी है, जिसमें कि उन्होंने एक मैच खेलकर मात्र 8 रन बनाए थे। अब सवाल देखिए काफी सारे उठ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की हार अभी तक लोगों से पच नहीं पाई। बस इसीलिए क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुनी फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।